अब वहाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान करने जा रहे हैं। अभी जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। विवेक की बात है, आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी हैं उठा के ले जाओ कांग्रेस पार्टी, ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे दो, ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुझे लेके भी गुलामी करते हो। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आई कम हियर इन टू कैपेसिटीज, इन एक्चुअली इन थ्री कैपेसिटीज। वन एज अ मेंबर ऑफ द लीगल प्रोफेशन एंड देयरफॉर अ कॉलीग ऑफ द मेंबर हु इज कैंडिडेट हु इज फाइटिंग द इलेक्शन। टू इन माय कैपेसिटी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड थ्री एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। दैट्स हाउ आई कम हियर। Chandigarh, of course, is my hometown. I studied here at St. John's. I first studied in Senior Model School, Chandigarh, Sector 16. Then came to St. John's. And I have very fond memories. My father was a lawyer, senior advocate in Chandigarh. So I am very, very deeply, deeply involved in whatever happens in Chandigarh. So I want the right man to be elected. I want a man who understands how parliament runs, a man who has a vision, a man who writes on several subjects, multifarious subjects, who understands the politics of the day and deeply committed to the cause of people in the country. And therefore, I come here for him. I was also a congressman for several years. So the blood of a congressman runs through me even now. So now, कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था, मैं अक्सर टीवी देखता नहीं हूँ, पर होटल में चले जाओ तो देखना पड़ता है। तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था, तो वहाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे। मतलब ध्यान करने जा रहे थे। अभी जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, नारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। ये विवेक की बात है कि वो कहते हैं कि भाई जो गहने हैं महिलाओं के, जेवर हैं, वो छीने जाएंगे और उन लोगों को दिए जाएंगे जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। ये विवेक की बात है। विवेक की बात है। आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी हैं उठा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी, ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे, ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुझे लेके भी गुलामी करो। ये विवेक, इसको विवेक कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले ये तो बताइए कि आप काहे को जा रहे हो। आपने उस दिन, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की उस दिन मुझे प्रधानमंत्री लेना चाहिए। मतलब इतना बड़ा सच बोल दिया उन्होंने, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा सच बोल देंगे। लेकिन जो भी इसका मतलब, जो भी हमने देखा वो गलत देखा। मतलब कि गलती हमारी है कि हमने ऐसा देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं। मुझे याद है जब ये सत्ता में पहली बार आए
और आने से पहले बड़े भाषण देते थे, जबरदस्त भाषण, और आप लोग आकर्षित भी होते थे, आज भी आकर्षित होते हो, आपकी वजह से नहीं, आप रिपोर्टर तो ज़्यादा आकर्षित नहीं होता, आपके जो जो ओनर्स हैं ना वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो क्या है, उन्होंने कहा जीतने से पहले, कहते हैं कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे आप 60 महीने दे दो, याद है आपको, जस्ट गिव मी 60 months एंड आई विल गिव यू अ न्यू हिंदुस्तान। व्हाट हिंदुस्तान इज गिवन अस आफ्टर 120 months, जब 60 महीने खत्म हो गए, बोले मुझे 60 महीने और चाहिए। अब कहते हैं कि मुझे 247 तक मुझे राज चाहिए, तब मैं विकसित भारत बनाकर आपको दूंगा, खैर मैं तो रहूंगा नहीं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र हो, वो विकसित भारत एक्चुअली हम देख पाएं, वो देख पाएं, मैं तो नहीं देख पाऊंगा। तो ये क्या, ये किस किस्म की राजनीति है इस देश में, आपको मालूम है, शायद आपको मालूम नहीं, इस देश में 1% ऑफ द पीपल ओन 50% ऑफ द एसेट्स ऑफ दिस कंट्री एंड द 60% एंड द बॉटम 50% ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री ओन 4.7% ऑफ द एसेट्स ऑफ दिस कंट्री। ये विकसित भारत है। If you talk about national income, 1% of the people have 20%, 22% of the national income, only 1%. And 50% of the people have only 13% of the national income. And what does 50% of the people mean in this country? If it's 1.4 billion people, that means 700 billion people. Matlab 70 crore log. 70 crore log. और 1% have 22% of the national income, ये भारत है। महंगाई का कोई स्तर ही नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि मैं इस शहर में आया हूं जहां एजुकेशन इज नंबर वन, लिटरेसी इज नंबर वन इन द कंट्री, मैं उस शहर में बैठा हूं, मैं यहीं पढ़ा हूं, यहीं पढ़ा था, इस शहर में आया हूं जहां हेल्थ इज नंबर वन इन द कंट्री, most educated people in this country live here, and I'm sure when they go to vote on the first, they should remember that they are educated people and they should apply their minds and not be persuaded by the meditation of our dear Prime Minister in the Vivekananda Rock Memorial. आप अगर हिंदुस्तान की पिछले 10 साल की हिस्ट्री अगर आप लिखने लगोगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि हम लिखें क्या। इन्होंने सारे संस्थाएं तो कैप्चर कर ली, जुडिशरी के अलावा मीडिया कैप्चर, मेनस्ट्रीम मीडिया कैप्चर, इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ रिसेप्शन कमीशन, मतलब जो आप कहोगे हम करेंगे, सो इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो कैप्चर्ड, शेड्यूल तय करना हो इलेक्शन का दे डिसाइड, बीजेपी के जो भी चाहते हैं वो वैसे ही शेड्यूल होता है। प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात करें जो विच इज द वायलेशन ऑफ अ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, MCC का उल्लंघन है, तो नोटिस ना तो उनको जाता है ना पार्टी को जाता है, कहते हैं कि पार्टी को नोटिस दिया, वो नोटिस भी नहीं है उसमें, ये लिखा है मेरे पास वो चिट्ठी है कि आप प्लीज अपने लोगों को, प्रेसिडेंट को बुलाया नड्डा साहब को, आप अपने लोगों को एडवाइस कीजिए स्टार कैंपेनर को कि वो मतलब कि ऐसी भाषा बोले जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है, वो तो वैसे ही है, तो नोटिस भी नहीं देती है। यही इलेक्शन कमीशन, हर मंत्रालय में RSS के लोग बैठे हुए हैं, मंत्रियों को कोई हक नहीं है, हम दो मेरे दो यही है, किसी और को कोई हक नहीं, वाइस चांसलर्स अपने लोग लगा रखे हैं,
जो गवर्नर लगा रखी हैं वो जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देते, बिलों को रोक लेते हैं, फटकार मिलती है फिर सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या गवर्नर भी अपने कैप्चर कर रखे और कानून का दुरुपयोग करते हैं। जो पीएमएलए है, आपको भी मत मालूम है कि पीएमएलए का मतलब क्या है, असली पीएमएलए का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री की लाल आंख, दैट इज पीएमएलए, नॉट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब जो आंख वो चीन को नहीं दिखा पाए वो अपने अपने नागरिकों दिखाते हैं कि हमारी बात नहीं, हमारे दल में नहीं आओगे तो तुम जेल जाओगे। आपने कभी इतिहास में सुना कि जिस तरह से मतलब कि चुनी हुई सरकारों को आप तोड़ दो? अगर मैं उदाहरण लेने लगूं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, कौन कौन सी सरकारें इन्होंने नहीं कराई जो चुनी हुई कि आप विश्व का आप लोकतांत्रिक इतिहास पढ़िए, इन नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बीन थ्रोन आउट इन दिस फैशन। यू ऑफर द फर्स्ट यू से 70,000 करोड़ का घपला हुआ है, उसको हम तुरंत ही जेल भेजने वाले हैं, फिर उसको आप चीफ डेप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, वो आपके धन में आ जाता है। और फिर आप जो 10th शेड्यूल है उसको लागू नहीं होने देते क्योंकि स्पीकर भी कब्जे पे हैं, पेपर गेम के अपने हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, कोई बोले तो माइक बंद कर देते हैं, 146 लोग सस्पेंड कर देते हैं। फिनेंस बिल में जो केवल मनी बिल पास होना होता है उसमें और बिल लगा के फिनेंस बिल के द्वारा पास कर देते हैं, और पीएमएलए में अमेंडमेंट भी ऐसे पास हुई ताकि राज्यसभा में वोटिंग ना हो पाए। तो पार्लियामेंट में कब्जा, एग्जीक्यूटिव का कब्जा है ही है, गवर्नर का कब्जा, इलेक्शन कमीशन का कब्जा, वाइस चांसलर्स का कब्जा, तो लोकतंत्र में रहा क्या है? क्या ऐसा भारत चल, ये विकसित भारत की बात हो रही है? आज मैं एक नागरिक होते हुए ये बात आपको कह रहा हूं, भूल जाओ पॉलिटिक्स, भूल जाओ आप पॉलिटिक्स, भूल जाओ आप, बताओ कि आपकी जिंदगी जिंदगी में क्या बेहतरी आई? जहां तक एजुकेशन का सवाल है वहां पैसा कम देते हैं, बाकी देशों में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, the एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज समथिंग बिटवीन 9-12% ऑफ GDP, इट इज लेस देन 4% हियर, इट इज 3.2%। स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की, और एक आम आदमी को और एक एक परिवार को क्या चाहिए? दे वॉन्ट हेल्थ केयर एंड दे वॉन्ट एजुकेशन। अच्छा, और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रही है, वो तो अपनाएगी क्योंकि उनके पास तो संख्या लोगों के है नहीं, तो नेचुरली दे डोंट हैव पीपल टू डू देयर जॉब, सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो जॉब आदमी नहीं कर सकता उनके पास है ही नहीं तो वो मशीन करेगी। हमारे पास तो आदमी ही आदमी है, महिलाएं महिलाएं हैं, हमारी वर्कफोर्स इतनी है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिन में आपको भी क्या हो रहा है कि आप चले जाओ बेंगलोर में चले जाओ, हैदराबाद में चले जाओ, वहाँ लोग हायर नहीं कर रहे कंपनीज क्योंकि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, क्योंकि उनको कम्पीट करना है विश्व में, तो वहाँ पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स, इनफैक्ट पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड इवन इन अ सेक्टर which is a very robust sector, which is 59% of the GDP of this country. The service sector is 59% of the GDP of this country. And the service sector is the one that absorbs all the educated people in this country. Right? And the agricultural sector only contributes about 16-18%, and the balance is by manufacturing. और मैन्युफैक्चरिंग ये क्या करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहते हैं, आपका जो मोबाइल फोन है यहाँ मैन्युफैक्चर तो नहीं होता, यहाँ वो होता है, इसके पार्ट्स
इकट्ठे किए जाते हैं, फिर एक्सपोर्ट, फिर बात करें हमने देखो इतने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर लिए, पर मैन्युफैक्चर तो होते ही ना, यहाँ तो मैन्युफैक्चर चाइनीज कंपनी या बाकी लोग कंपनी करते हैं। आपको मालूम है कि आपके टेलीकॉम सेक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होती हो, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होता हो। टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूं, विच इज डूइंग वेरी वेल बिकॉज इट्स अ सर्विस। सैमसंग ना, इट इज सैमसंग, नॉट आर मैन्युफैक्चरिंग। नो, योर मिस्टेक। Component, they don't manufacture the phone, which I'm saying to you. One second, hold on. Can you, are you a BJP man? No, I'm not. There's a wait today, wait till I finish my conference. Ask me any question. You are not supposed to ask me any question while I'm saying all this. Okay? So let's be clear upon it. What is this gate manufacturing story? I want to know. Which are the big things that they are manufacturing in India? All the, your power equipment is coming from China. All your Vivos and others are all Chinese players. What are you talking about? Your entire power sector, all the machines, everything is coming from China. So let's be clear. What? That's why there is unemployment between the ages of 25 to 30. The unemployment rate is 46%. And between 20 and 30, it is 29%. And if there was manufacturing taking place, where would that, wouldn't there be jobs in this country? What are we talking about? What we manufacture are textiles. And we export that. Clothing, we export that. These are the kind of things we manufacture. We manufacture some low-end equipment also. True. But our exports have not gone up. In fact, pursuant to COVID, they are going down. Your maximum number of people live in the rural areas. They contribute 16% of the GDP. मतलब अगर 70-60% लोग इस देश की संख्या के देहातों में रहते हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन तो केवल 16-17% है। इसका मतलब उत्पादन नहीं है, और वही लोग अनएम्प्लॉयमेंट है बिकॉज एग्रीकल्चर में, खेतों में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और पंजाब की भी यही प्रॉब्लम रही है कि कोई अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ही नहीं इकोनॉमी की। तो आपने पिछले 10 साल में क्या किया, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से। और अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये जो भाषण दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 साल में क्या किया, कोई ऐसा भाषण दिया जो मीडिया चला रही हो? ये जो भाषण हो रहे हैं मुजरे के, ये 10 साल की उपलब्धियों के हैं। तो प्रधानमंत्री होता, उसने 10 साल में खास काम किए होते, तू बताते कि भाई पिछले 10 साल में ये किया मैंने, ये बदलाव लाया। यूएपीए में बच्चों को बंद कर दो, यूएपीए में जो लोग आपके खिलाफ लिखते हैं उनको बंद कर दो, बच्चों के खिलाफ सेडिशन केस लगा दो, कोई आपके खिलाफ बोले तो लिंचिंग कर दो। ये विकसित भारत है। तो एक नागरिक की हैसियत से मैं आज आपके सामने आया और सोच समझ के इस जनता को यह तय करना चाहिए कि किस किस्म का हिंदुस्तान होना चाहिए। यह बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है। अगर पिछले 7 साल में उन्होंने ये काम किए हैं तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या हो सकता। स्थिति जैसा है वैसी है। वो ही एक संस्था है जो आज तक काबू नहीं हुई। अच्छा पूछिए आप। थैंक यू वेरी मच। आप चंद्रशेखर आजाद के
चंडीगढ़ में है, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। पर चंडीगढ़ में आज रोड शो है, अरविंद केजरीवाल जी मिश्रा जी के साथ हैं, अच्छी बात। ये कंट्राडिक्टरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जहां हम साथ है साथ है, जहां नहीं है नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी के सब भ्रष्टाचारी है, और कांग्रेस क्या कहती रही है, तो ठीक है, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स हो गया ना। अभी हमें, हमारे सामने चुनौती क्या है कि भाजपा को हराना है, ये चुनौती है। जो भारत जिसका मैंने दृश्य आपको आज बताया, उस भारत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। नहीं, कौन सा दल हुआ, पूछो इनसे कि महाराष्ट्र में किसने दल बदला, मोदी जी ने किसको गले लगाया, जिसको कहते थे कि 70,000 का भ्रष्टाचार उसने किया। जिन जिन के खिलाफ ये आरोप लगाते हैं उन्हीं को गले लगा लेते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, जरा मोदी जी से पूछना ना किसी दिन, उसकी तो हिम्मत नहीं रहती किसी को। वो तो कहते हैं कि साहब आप आम कैसे खाते हो, कैसे अल्फांसो आप कैसे काट के खाते हो या चूस के खाते हो, ये तो आप सवाल पूछते हैं मीडिया के लोग। चलिए, यानी आपने नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो मेरी आप जनरली की बात कर रहा हूँ। फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट दिस इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, एंड वो बड़ा साधारण सी बात है, आप आई होप आई कैन परसुएड यू। एक हमारा दोस्त हार्दिक पटेल था, आपको याद होगा, ठीक है ना। हार्दिक पटेल को 3 साल की सजा हुई थी, तो साथ साथ में उनको ये भी आदेश हुआ था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। हाई कोर्ट से फैसला हुआ, मैं उनका वकील था, हम यहाँ आए सुप्रीम कोर्ट में, तो ज़्यादा मैं ना कहते हुए कुछ, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्टे ऑफ कन्विक्शन। वो चुनाव भी लड़े, जीते भी, भाजपा में शामिल भी हो। तो एक शख्स जिसकी कन्विक्शन हुई हो वो सांसद भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है, ठीक है। फिर आ जाओ, ये तो एक उदाहरण हो गया, ऐसे कई उदाहरण हैं। दूसरा, आपके रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई ना, चार्जशीटेड। वो प्रचार भी कर रहे हैं ना प्रचार अपने बेटे के लिए उत्तर प्रदेश में। तो एक कन्विक्टेड पर्सन सांसद हो सकता है, एक शख्स जिसके खिलाफ चार्जशीट है वो भी सांसद हो सकता है, प्रचार भी कर सकता है, और एक शख्स जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो प्रचार भी कर सकता है। केजरीवाल के खिलाफ तो केवल एलिगेशन है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा कानून हुआ? ये सरासर मैं समझता हूं कि इतना अन्याय है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो हेमंत सोरेन हो, झूठे आरोपों के साथ। अब जैसे ही कोर्ट की डेट आती है ये कहती हैं कि अभी हवाला में कोई व्हाट्सएप मिला, एक दिन पहले वो लीक कर देते हैं। ये भारत हमें नहीं चाहिए, ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। आई होप यू हैव नाउ अप्रिशिएटेड द आंसर दैट आई हैव गिवन यू। The court should also think about this. So what about, sir, the acquittal of Ram Rahim by Punjab and Haryana? Well, I don't follow the Ram Rahim story. My, so I just have Ram in my heart. मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एबीसी रिजर्वेशन गुजरात में किसकी हुई है? मुस्लिम्स की हुई है ना, मुझे जरा पूछ लेना किसी दिन। हाँ नहीं, बिल्कुल, खुद ही भगवान ने, भगवान की करा रहे। उन्होंने कहा कि भाई जद मेरी माता जी, मैं सोचा सी जद वो जिंदा सीगा मैं उन्हों का बेटा सी, तो उन्होंने देहांत के बाद मैं लग्या तो भगवान ने मैं इतने भेजे, तो भगवान ने ही तुम्हें कहा कि तुम मतलब कि मुजरे की ज्यादा गल करो।
भगवान भी चाहता कि मुजरा इस तरह ना होना चाहिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स का मुजरा। ये देखिए, जब बंदा सोचे ना कि मैं सब तो वड्डा, मैं खुद भगवान हाँ, तो फिर इस किस्म दी गल होंगी। जिस बंदे को विवेक नहीं, वो विवेकानंद कितने क्यों जा रहा है रॉक मेमोरियल पे। बट ही इज ऑलरेडी द स्टेट, वो बढ़ क्या रहा है, वो है, वो तो वास्तविकता है। जो बनाए करते हैं, जो बनाए कर देते हैं, किसी को अंदर करना नहीं करना, मन मर्जी PMLA लगा देना, ये करना, बट सब डरे हुए हैं ना। क्वेश्चन इज के भाई इंडस्ट्री बेचारी क्या करे, इंडस्ट्री मीडिया को कौन, ओनरशिप मीडिया इंडस्ट्री की है, इंडस्ट्री के अपने हर रोजों के रोज काम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सरकार से मिलती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा ये सब, तब दे हैव बिकम द रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, तो करे क्या कोई। ये सिवन साहब, ये 5 नंबर की इकोनॉमी इंडिया की हो गई है, इसके बारे में आप, तो मैं आपसे उदाहरण देता हूँ आपको, ये जो 5-3-2 इसका मैं जरा आपको थोड़ी सरल तरीके से समझा देता हूँ। आपके परिवार के अगर 2 बच्चे हैं और आप मियाँ बीवी हो और 2 बच्चे कमाते हैं, तो आमदनी होगी, होगी ना, तो आपका जो टोटल कैपिटल है वो सबको पता होगा। आपके बच्चे अगर 6 बच्चे और पैदा कर दें, उनकी अपनी बीवियाँ हो जाए, उनकी भी नौकरियाँ लग जाएगी, तो बढ़ जाएगी, तो जिस देश में संख्या बढ़ती जाएगी वो इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। इसमें कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये तो सिंपल अरिथमेटिक की बात है। जहाँ आमदनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। आपके एक वन मतलब के एक 140 मिलियन पीपल नहीं होते, सॉरी 140 करोड़ नहीं होते, तो आपकी इकोनॉमी नहीं होती इतनी, बढ़ती नहीं। जैसे UK की इकोनॉमी है, जहाँ संख्या कम होगी वहाँ तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। हाँ, अरे भाई कोई काम तो करेगा ना, कोई 50 रुपया कम पकौड़े बनाता है, बेचता है, वो तो पैसे तो आएंगे ना भाई, करेगा। यू आर राइट, इन अदर वर्ड्स, इफ समबडी इज नॉट एम्प्लॉयड ही विल डू समथिंग और द अदर, ही मे नॉट, ही मे गेट गो टू मनरेगा एंड अर्न, दैट विल ऑल्सो एड टू द इकोनॉमी। सो आई डिडंट से दे आर अनएम्प्लॉयड, मेनी ऑफ देम डोंट गेट जॉब्स, बट दोज हु गेट जॉब्स स्टिल, व्हेन द नंबर्स आर देयर, द सब इकोनॉमी विल सर्टेनली ग्रो, बट इज नथिंग टू डू विद द ग्रोथ ऑफ द एट द मोमेंट। इफ द इकोनॉमी ऑफ ग्रो, यू नो हाउ मच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बोरोइंग, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव देम 2.1 लाख करोड़। व्हाट डज दैट मीन, दे डोंट हैव द मनी फॉर ऑल दीज स्कीम्स, व्हाई आर दे डूइंग दिस, इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग व्हाई फूड सिक्योरिटी, व्हाई इज देयर फूड सिक्योरिटी इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, देन एवरीबॉडी इज सेल्फ सफिशिएंट, व्हाई ऑल दीज सब्सिडीज where economy is growing. Let's be clear. Let's not be carried away by any agendas. We are here as citizens of the country. We must work for my country, all of us. I don't care which party you vote for. That's not the issue. Issue is vote for a party who thinks about India, not thinks about himself and his party. There's no space for anything in this country anymore. देखिए ऐसा है कि दी अदर थिंग आई वॉन्ट टू से, मैं अगर कहूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, ये भी गलत है। एक गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूम। अगर मेरी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी तो वो आज भी काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई काम नहीं होता। लेकिन जिस वादों के साथ आप सत्ता में आए थे वो विफल हो गए, और आज उनकी आप बात नहीं करते क्योंकि आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स जिहाद वोट दिस इन चीजों की बात करते हो, तो ये बात है। अरे गल सुनो, बंदे ना साढ़े झाटी तय कर लेंगे वोट करना। आपने इनइक्वालिटी की बात की,
किसी जो असमानता इनइक्वालिटी जो है, हाँ हाँ वो तो बड़ी है। तो पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आर कंसीडर्ड बिहाइंड दिस रिस्पांसिबल फॉर दिस। नाउ टेल यू दैट दिस इज ग्लोबली ट्रू, व्हाट यू आर सेइंग इज ग्लोबली ट्रू। In other words, what has happened is when you liberalize the economy, the rich became richer. That's true in America. That's true here also. But the Congress started the liberalization process. You are right. You are right. So the trickle down. That's why it is our policy. The Mandega was our policy, where we realized that it's not trickling down.